बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की स्थिति सुधारने के लिए तमाम जतन कर रही है, इसके बावजूद भी बिहार के समस्तीपुर जिले के बीरसिंहपुर एपीएससी की हालत बद से भी बदतर है। कहने को तो यह चिकित्सालय है, यहाँ चिकित्सा कार्य कराए जाते हैं, लेकिन एपीएससी में तमाम गंदगियों के बीच जेल सेट मकान में पालतू जानवरों को बांधने का कार्य कराया जा रहा है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखकर बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे दावों पर सहज अनुमान लगाया जा सकता है। आइए आप भी देखिए समस्तीपुर जिले के बीरसिंहपुर एपीएससी की हालत। दीपक कुमार तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति काफी अच्छी है। बिहार की सरकार बोल रही है कि स्वास्थ्य विभाग में जो अपडेटिंग की गई है वो काफी मॉडल है। घर घर दवा दारू मिल रहा है, हर स्वास्थ्य केंद्र में और हर एपीएससी में, हर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि चिकित्सा व्यवस्था बेहतर है। इसी मामले को करीब से जानने समझने के लिए हमारा टीम आज समस्तीपुर के दौरे पर है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के बीरसिंहपुर में हम खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं एक ग्रामीण है। इनका कहना है कि बिहार की जो सरकार स्वास्थ्य विभाग को अपडेट करने का और स्वास्थ्य सुविधा देने का दावा कर रही है उसकी हकीकत यहाँ देखिए। यहाँ जब हम पहुँचे तो तमाम तरह आप देख रहे हैं कि मवेशी बंधा हुआ है। एपीएससी है यह बीरसिंहपुर का, खंडहर में तब्दील है भवन, जिससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधा की क्या स्थिति होगी। गांव के लोग खड़े हैं, बुजुर्ग लोग खड़े हैं, बता रहे थे अभी कुछ देर पहले ऑफ कैमरा कि खांसी की दवा लेने के लिए पिछले 15 दिन से दौड़ रहे हैं। बताते हैं कि इनको तो पता है कि यहाँ क्या मिलने वाला है, मवेशी बंधा हुआ है, खंडहर में तब्दील है, भूत प्रेत से मिलना हो तो स्वास्थ्य विभाग में चले आइए, ऐसा मजाक की बात कह दिए, सुन के अचरज सा लग गया। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि इस स्वास्थ्य उपकेंद्र में कितने चिकित्सक पदस्थापित हैं, स्वास्थ्य सुविधा का क्या हाल है और यह जो हालात है कितने दिनों से है। क्या नाम हुआ आपका? जयशंकर प्रसाद। ये जो हालात है कब से है? ये करीब 20 वर्ष से। ये जो यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा लेना पड़ता है दवा दारू, तो क्या करते हैं? बहुत कठिनाई है लोगों को, कल्याणपुर या समस्तीपुर जाना पड़ता है। यहाँ चिकित्सक लोग नहीं पता? चिकित्सक लोग पदाधिकारी लोग हैं, यहाँ पोस्टेड हैं, 5-6 हैं, लेकिन समय पर कोई अवेलेबल नहीं है। कब से ऐसा हाल है? 20-25 वर्ष से ऐसा चल रहा है, इसके पहले बहुत बढ़िया था। प्रतिनिधि लोग चुने गए हैं, उनकी तरफ से नहीं कुछ कार्रवाई? उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। कभी अफसर लोग नहीं आते हैं? आते हैं लेकिन आकर के देख करके चले जाते हैं। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से कितना दूरी पर स्थित है? 10 किलोमीटर पर। तो कभी डीएम तो काफी कंसर्स रहते हैं, वो कार्रवाई नहीं करते? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की। बीएससी प्रभारी ये सब? वो सब कोई नहीं। प्रमुख विधायक सांसद? कुछ नहीं, सब कोई केवल आश्वासन दे करके यहाँ पर आते हैं, बैठ करके खाओ नाश्ता करके चले जाते हैं। आप लोग कभी जो है सो इसका प्रतिकार नहीं करते? यहाँ जो आखिर कोई चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी पदस्थापित होंगे वो उन लोगों का क्या रोल वो होता? जब आते हैं तो कहते हैं कि मैं क्या करूँ, हमारे पास तो कोई दवाई है नहीं जो देंगे, 2-4 किस्म का टेबलेट रखे रहते हैं, वही कंपाउंडर जो है सो दे देता है लोगों को। सारे बीमारी का वही? बस 2-4 तो कैप्सूल से फाजुल यहाँ पर नहीं रहता है हॉस्पिटल में। आप लोग क्या बोलेंगे, क्या यही स्थिति? जी सर, बहुत खराब बोले बाबा, वही बात है सर। ये जो अतिक्रमण है भूत बंगला में तब्दील, इसी में लोग रहते हैं? हाँ। ये कब से स्थिति है? 20 साल। ये कब, ये जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र कब बना था? करीब 50 वर्ष पहले। 50 वर्ष पहले था, तब से यही स्थिति है? हाँ। ये पहले ठीक नहीं? पहले तो ठीक था। डॉक्टर का क्वार्टर था, कंपाउंडर का क्वार्टर था, सब यहाँ पर था, सब यहाँ 24 घंटा रहते थे, 12 बजे दिन में भी जो है किसी जनता को कोई कष्ट नहीं होता था। कब से ऐसा होने लगा? लालू जी का जब राज आया उसके बाद से इसका हॉस्पिटल का ही दशा है। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं नीतीश कुमार कहते हैं पोस्टेड कर दिए, लेकिन यहाँ ग्राउंड पर सब फेल है सर। हम कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं कि हमको हॉस्पिटल बनना चाहिए, मतलब इनके हाफ उम्र का हम है, लेकिन हाफ उम्र का इनके जो बता रहे हैं कि पहले से ऑलरेडी जो है शुरू से जो चलता हुआ रहा है, कि मेरे उम्र के हिसाब से जैसा वो बताए उसे शुरू हम देखिए रहे, इनके ऑलरेडी इनके पहले हाफ उम्र के हम भी है, लेकिन आज तक कुछ लाभ यहाँ जो देख रहे हैं सिस्टम सही बताएं। बुखार का भी टेबलेट वही चलता है, पेट खराब का वही चलता है, कल का व्यवस्था नहीं है, कल का व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर कल का व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर जो है सो कोई डॉक्टर नहीं, बैठने का जो है की व्यवस्था है, ना कुछ है, उन्हीं को रख दिए हैं, वो गोटी का भी देते हैं, कभी जैसे ही देते हैं,
यही सब काम चलता है यहाँ, और कुछ नहीं है। आप क्या बोल रहे थे? हम तो बोले यहाँ कुछ का व्यवस्था, डॉक्टर को पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, बेचारा क्या करेगा। जितना जगह है उतना जगह में अगर व्यवस्थित ढंग से सरकार चाहे तो यहाँ पर बहुत अच्छा जो है सो हॉस्पिटल हो सकता है। आपको बता दें कि यह जो हालात है बिहार में, जो सरकार है नीतीश सरकार है, उनके स्वास्थ्य सुविधा के दावे की हकीकत की पोल खोल कर रख दे रहा है। आपको बता दें कि यहाँ दूसरे सिलसिले में हमारी टीम जब पहुंची थी तो गांव वालों ने घेर लिया और बताया कि स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है, जरा हमारी बेबसी को भी देखिए और मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज को भी उठाइए। इन लोगों के अनुरोध पर जब हम इस एपीएससी का रुख किया तो यहाँ की हालात को देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। राजधानी पटना और समस्तीपुर शहर की तो हालात इससे थोड़ी ठीक भी है, लेकिन गांवों के लोग आखिर किस बेबसी में जीते हैं इसको देख करके आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। कहते हैं कि बीमारी कितने भी प्रकार के हो, यहाँ जो टेबलेट होती है वही दी जाती है, ORS के लिए भी लोग भटकते रहते हैं। और सबसे ताजुब की बात कि बिहार में नल जल और शौचालय योजना ODF घोषित करने को लेकर के भी तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ शौचालय भी नहीं है। जो यहाँ महिला कर्मी पदस्थापित है उनको शौच के लिए भी दूर खेतों में जाना पड़ता है, और जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी ODF घोषणा और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में खुद इम्प्लीमेंट करने से परहेज करते हैं, जिनको शौच के लिए भी खुद भटकना पड़ता है, वैसे स्वास्थ्य कर्मियों से आखिर इन इलाके के लाखों लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं की कल्पना कैसे की जा सकती है, इसका अंदाजा भी आप स्वयं लगा सकते हैं। दीपक कुमार तिवारी, A2Z न्यूज लाइव, समस्तीपुर, बिहार। आइए हम करते हैं कुछ नया। जी हाँ, अगर आप भी अपने समाज के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करें।